हेलो गाइस, वेलकम टू डिजिटल फ्यूचर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अभिषेक ठाकुर और आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 10+2 एग्जामिनेशन 2018 की नोटिफिकेशन के बारे में। तो गाइस, एसएससी ने सीएचएसएल 2018 एग्जामिनेशन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जो इनके द्वारा जारी किया गया है 5 मार्च 2019 को। तो इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि कितनी किस टाइप की वैकेंसीज जो हैं, किस किस पोस्ट के लिए निकाली गई हैं और जो इम्पोर्टेंट डेट्स क्या क्या होंगी इसके लिए, क्या क्या एज क्राइटेरिया होगा, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी, वो सारी डिटेल जो है वो इसी एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल सके। तो आइए देखते हैं ये नोटिफिकेशन। तो इसमें सबसे पहले जो बताया गया है, ये जो नाम है एग्जामिनेशन का, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 एग्जामिनेशन 2018। अब इसकी इम्पॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो है 5 मार्च 2019 से 5 अप्रैल 2019 तक। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप होना जो शुरू होगी वो होगी 5 मार्च 2019, यानी कि आज से, और जो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म सबमिशन होगी वो होगी 5 अप्रैल 2019। तो इसको आप 5 अप्रैल 2019 तक फिलअप कर सकते हैं, और जो 5 अप्रैल 2019 तक आप इसको फिलअप कर सकते हैं वो 5 बजे तक फिलअप कर सकते हैं। और जो इसका लास्ट डेट होगा ऑनलाइन फ़ी पेमेंट का, वो होगा 7 अप्रैल 2019 5 बजे तक, और जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चलान की जो लास्ट डेट है वो है 7/4/2019 5 बजे तक ही। और जो पेमेंट थ्रू चलान आप कर सकते हैं उसकी लास्ट डेट जो है वो है 9 अप्रैल 2019। और जो इसका टायर वन होगा, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा टायर वन, वो इसका कंडक्ट किया जाएगा 1/7/2019 से 26/7/2019, यानी कि 1 जुलाई 2019 से 26 जुलाई 2019 के बीच में। और जो इसका डेट ऑफ टायर टू एग्जामिनेशन है, जो इसका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा टायर टू, वो कंडक्ट किया जाएगा 29 सितंबर 2019 को। तो ये थी इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स। अब आगे इसकी देखते हैं, जिसमें बताया गया है कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो इसमें जो बताया गया है कि लोअर डिवीजन क्लर्क स्लैश जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट स्लैश शॉर्टिंग असिस्टेंट एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की जो पोस्ट हैं वो निकाली गई हैं। इन पोस्ट के लिए जो है एग्जामिनेशन ये कंडक्ट किया जाएगा। अब पे स्केल की बात करें तो लोअर डिवीजन क्लर्क और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का जो पे बैंड होगा वो होगा 5200 से 20200 के बीच में, और ग्रेड पे होगा 1900। और जो नेक्स्ट है इसमें बताया है कि पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट का जो पे बैंड होगा वो होगा 5200 से 20200, और ग्रेड पे होगा 2400 रुपया। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो पेमेंट होगा 5200 से 20200, और ग्रेड पे होगा 2400 रुपया। और जो डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए का होगा, जो चौथी पोस्ट है, उसके लिए भी 5200 से 20200, और ग्रेड पे होगा 2400 रुपया। तो ये था इसका पे स्केल। अब आगे देखते हैं इसकी एज क्राइटेरिया क्या रहेगा। एज क्राइटेरिया की बात करने से पहले अगर वैकेंसीज़ की बात करें तो वैकेंसी जो है अभी तक बताई नहीं गई हैं कि कितनी वैकेंसीज टोटल निकाली गई हैं, वो भी कुछ दिनों बाद इनकी वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाएंगी। और अगर उसकी चेक करना होगा आपको कि कितनी वैकेंसीज़ हैं, तो बाद में जब भी ये रिलीज़ करेंगे तो आपको एसएससी की वेबसाइट पे जाना है, और वहाँ पे ऑप्शन है कैंडिडेट्स कॉर्नर, उसके बाद टेंटेटिव वैकेंसीज़ का ऑप्शन आएगा, उसमें आप जाके इसकी वैकेंसी जो है चेक कर सकते हैं, जो थोड़े दिन बाद ये अपलोड कर देंगे अपनी वेबसाइट पर। अब बात करते हैं एज की। तो एज की अगर बात करें तो एज आपकी होनी चाहिए 18 से 27 साल के बीच में। तो 18 to 27 ईयर्स जो है एज होनी चाहिए इस पोस्ट के लिए। और ये जो आपकी एज ली जाएगी, ये 1 अगस्त 2019 तक जो आपकी एज होगी वो नोट की जाएगी। तो 1 अगस्त 2019 तक आपकी एज जो है वो 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। यानी कि जो कैंडिडेट 2 अगस्त 1992 से लेके 1 अगस्त 2001 के बीच में जिसकी एज आती है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में है, वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो एज रिलैक्सेशन होगा वो डिफरेंट कैटेगरीज के लिए आपकी स्क्रीन पे है, जैसे एस सी एस टी के लिए 5 ईयर्स, ओ बी सी के लिए 3 ईयर्स, पी डब्ल्यू डी अनरिजर्व के लिए 10 ईयर्स, पी डब्ल्यू डी ओ बी सी के लिए 13 ईयर्स, पी डब्ल्यू डी एस सी एस टी के लिए 15 ईयर्स, एक्स सर्विस मैन 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ये इस तरह का आपका रिलैक्सेशन है जो आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं। तो ये एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया बताया गया है इस पोस्ट के लिए। अब नेक्स्ट अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर, उसके लिए जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, प्लस टू पास होने चाहिए आप, या फिर उसके इक्विवेलेंट जो एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी से पास किया हो, तो आप प्लस टू पास होने चाहिए इन पोस्ट के लिए।
और दूसरा यहाँ बताया गया है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर जो DEO की पोस्ट है इन द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उसके लिए आपका 12th पास होना चाहिए इन साइंस स्ट्रीम विद मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट। तो आप प्लस टू पास होने चाहिए और प्लस टू में आपका जो है साइंस स्ट्रीम में पास होना चाहिए और उसके साथ साथ आपका मैथमेटिक्स जो है एक सब्जेक्ट होना चाहिए जो आपने प्लस टू में स्टडी किया हो। तो ये क्वालिफिकेशन है आपकी डाटा एंट्री ऑपरेटर इन द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के लिए। तो ये था एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस पोस्ट के लिए। नेक्स्ट यहाँ बताया गया है कि अप्लाई कैसे करना है। तो आपको ये वेबसाइट का लिंक सामने दिखाई दे रहा होगा, इस लिंक पे जाके आपको अप्लाई करना है ssc.nic.in पे जाके। और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन जो है वो आपकी 5 अप्रैल 2019 है। अब अगर फ़ीस की बात करें तो फ़ीस जो है 100 रुपीज़ होगी, 100 रुपीज़ फ़ीस होगी जिसको आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल जो इनका है जहाँ पे आप फॉर्म फिलअप करेंगे वहाँ पे ही आप इसकी फॉर्म एप्लीकेशन जो है 100 रुपीज़ वो फिलअप कर सकते हैं। और जो वीमेन कैंडिडेट्स हैं, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, PWD, एक्स सर्विस मैन जो रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल हैं उनके लिए कोई फ़ीस नहीं एप्लीकेबल है। और जो ऑनलाइन फ़ी पे करने की लास्ट डेट है वो मैंने बता दी है आपको 7/4/2019, और ऑफलाइन चालान भी मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था। तो ये थी इसकी एग्जामिनेशन फीस। सो गाइज ये था नोटिफिकेशन SSC CHSL 10+2 एग्जामिनेशन 2018 का। तो भाई इसके रिगार्डिंग अगर आपके कोई डाउट्स रह गए हों तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करें। और अगर आपको ये पूरी नोटिफिकेशन की PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके आप इसकी जो PDF है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज़ आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसी तरह की अपडेट्स के लिए अगर अभी तक आप अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।